परम पूज्य दादा गुरु जी श्री श्री 108 स्वामी धनंजय दास काठिया बाबा जी महाराज को किसी शिष्य ने एक बार प्रश्न किया, गुरुदेव मन हर समय भजन में क्यों नहीं बैठता? किसी दिन भजन में बहुत मन लगता है, आनंद मिलता है, तो किसी दिन मन बहुत चंचल रहता है, मन बिल्कुल भी भजन में नहीं बैठता, कभी कभी तो निद्रा आलस्य भी आता है, गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? तो श्री दादा गुरुजी ने कहा, शरीर में सत, रजह और तमह ये तीन गुण की क्रिया चलता रहता है। जब सत गुण प्रबल होता है तब मन सत ही भजन में लग जाता है और आनंद मिलता है। दूसरी ओर जब रजोगुण प्रबल होता है तब मन उस ओर नहीं जाता, वो काम की ओर दौड़ता है और चंचल हो जाता है। और जब तमोगुण प्रबल होता है तब आलस्य, निद्रा आदि आकर मन को वश में कर लेता है। इन सब कारणों से मन कभी भजन में बैठता है, आनंद मिलता है, तो कभी मन बहुत चंचल होता है, भजन में नहीं बैठता, निद्रा आलस आता है। ये तीन गुण के कारण मन का अवस्था भिन्न भिन्न होता है।